हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। यार देखो तो, कल मैं गई थी ना शादी में, और वहाँ पे जब मैं गई थी तो मैंने बहुत ही झटपट वाला तैयार हुआ था, मतलब बहुत झटपट वाला मैंने ना मेकअप लुक क्रिएट करा था, और वो ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। कोई भी ज़्यादा ताम झाम नहीं था, एकदम ऐसे चुटकियों में आ गया था, मतलब इतना टाइम नहीं लगा था। और हाँ, अब से ना मेरी वीडियो ऐसी ही आएगी, मैं आप लोगों से अच्छे से बात करूँ, एकदम डायरेक्टली बिना किसी हेजिटेशन के डायरेक्ट कनेक्ट करूँ, तो ऐसी वीडियो होने वाली है। बिकॉज आप मेरा रियल नेचर ये है, और मैं शुरुआत में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी, लेकिन जब मैं लाइव आई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप लाइव पे इतना बोलते तो आप अपनी वीडियोज़ में भी वो चीज़ करो, तो लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, तो मुझे क्यों ना ये चीज़ करी जाए। और उन लोगों ने मुझे बोला था कुछ थोड़ी सी मिनी वीडियोज़ वगैरह बनाओ, तो यार वो चीज़ ना अब मैं करूँगी अपनी वीडियोज़ में, तो यार अब से तुम लोग को ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए अब हम हो गए थोड़े से फ्रेंडली, तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड टाइम को बर्बाद ना करते हुए। तो देखो यार, मैंने ना प्राइमर लगा लिया है, अब मैं लगाऊंगी मामा अर्थ का फाउंडेशन, जिसका शेड है 06 आमंड ग्लो। और ये थोड़ा सा मेरे ना स्किन का थोड़ा सा डार्कर है, क्योंकि मैंने पहली बार मामा अर्थ का फाउंडेशन परचेस किया था, तो मुझे थोड़ा शेड समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ठीक है, मेरे से काम चला रहे जब तक खत्म नहीं होता, क्योंकि चैनल का नाम ही बजट क्लेम है तो बजट वाली चीज़ें तो करनी पड़ेगी, और ज़्यादा खर्चा मैं वैसे भी नहीं करती। तो ठीक है, तो यार मैं अपने हाथों की मदद से इसको अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कल भी यही वाला काम कर रहा था, अपने हाथों की मदद से अप्लाई करने वाला। ये ऐसे हमारे इधर वर्ड चलता है कि हाथों में लो और मुंह में चपड़ लो, तो मैं वही वाला काम करती हूँ। बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है मेकअप की छड़ी, जिसको मैंने बहुत सब्र करके बनवाया था, तो दिस इज माई मेकअप की छड़ी, रेबल ब्रश मार्स का। और मैं लगाऊंगी पिगमेंट का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, टूट चुका है, मुझे इतना इसी लगा रही हूँ। थोड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट की तरह, हाँ, सो मैं सेट करूँगी अपना पूरा फेस। ब्लश के लिए मेरी हमेशा वाली जूलियो की लिपस्टिक, शेड में बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें चाहिए नेचुरल वाला, तो मैंने मतलब पहले अप्लाई कर लिया, मैंने प्रोडक्ट ले लिया, और अब मैं इसको टाँ देखो मेरा इधर है, तो मैं इधर देख लूँ, ठीक है। फिर मैं सोच रहा कि ऐसे टेढ़ी आँखें तभी क्यों बोली, मेरी आँखें बिल्कुल सीधी है, टेढ़ी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ब्लश थोड़ा सा अभी ज़्यादा लग गया, रात को मैं इसमें कम लगा था, ठीक है सेट कर लेती हूँ। तो मैं ना इतना जल्दी हड़बड़ी कर रही हूँ, मैं जल्दी क्यों करके बता रही हूँ, मैं जल्दी इसीलिए करके बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को पता चले कि अगर जल्दी में कोई चीज़ करना तो कैसे होती है, ऐसे होती है। और हम लोग रियल लाइफ में यही करते हैं यार। और इसी को थोड़ा सा ना मैं अपनी आंखों पे टैप 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 कर लूँ। यार मैं कितना बोलती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ, जितना पता जब लोगों ने लाइफ पे आइडिया दिया ना कि यार आप अपना थोड़ा सा ना कम्फर्टेबल होकर चीज़ें करो तो आपको अच्छा लगेगा वो चीज़ करने में, और ये चीज़ मैं करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस चीज़ आज करने में, कि यार मैं अपने रियल तरीके से जैसा मेरा नेचर हूँ वैसे तुम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, मतलब काफ़ी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकती। यार मैं शुरू पे यूट्यूब पर आई थी, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था उन चीज़ों के बारे में, कि यार मैं किस को कैसे बोलूँ, खुद से कैसे बात करूँ, मतलब ऐसा नहीं है मैंने पहले वीडियो बनाई, लेकिन यार थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं करूँगी, तो इसकी वजह से यार तुम लोग मेरी वीडियो देख लो। हाँ, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। यार देखो एक चीज़ देख रहे हो, मतलब ये 30 रुपये का लिप लाइनर लिप्स को कितना ज़्यादा अच्छा लगा रहा है, समझ रहे हो? और यार मेरी आवाज़ में थोड़ी सी गूंज भी होगी, क्योंकि ना ये रूम जो है ये थोड़ा सा ऐसा खाली सा है, मेरे घर पे पर्सनल रूम नाम की कोई चीज़ नहीं, पूरा घर ही पर्सनल है। और मैं लगाऊंगी इसमें अपनी वही 150 रुपये की जूडो लिपस्टिक, जो मैंने जूडो में खरीदी थी। यार ये वाला है ना, ऐसे लिपस्टिक लगाने का ना, मैंने एक यूट्यूब पे क्रिएटर है शुभाग्य आनंद, उनके इसमें देखा था, उन्होंने करी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी उनकी ये चीज़, इसलिए मैंने ये चीज़ करी थी। तब से ना मैं ऐसी लिपस्टिक लगा रही हूँ, लाइक नेचुरल लुक है, सो कैसा लग रहा है।
हफ्ते में मैं लगाऊंगी कारा इस वीडियो का जो हमेशा मैं लगाती हूँ। इसको ना मैं थोड़ा सा क्या बोलते हो बेस्ट टाइम फैला फैला के मतलब वैसे गंदे तरीके से क्या बोलते हैं कुछ तो बोलते हैं उसको मेकअप की लैंग्वेज में काम उस तरीके से लगा ली उसको थोड़ा सा ऐसे करके ताकि मेरे को लाइनर लगाने की जरूरत ना पड़े। मुझे करना है वैसे आईब्रो स्ट्राइक तो मेरी हमेशा वाली ट्रिक में ब्रश पर लगाऊंगी प्रोडक्ट देन अपना है ये सबसे इजी तरीका आता है मुझे। मैं लगा रही हूँ जूडियो का ये चिकी शर्ट वाला हाइलाइटर जिसको देख देख के बहुत लोगों ने रिव्यू दिया मुझे उनमें से तुम लोग भी हो जो मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे फॉलो करते हैं। देखो मैं हल्का हल्का लगा लूँ ठीक है थोड़ा सा हाईलाइटर आपको मैं आती हूँ काजल यार काजल लेके मैं आगे मैंने झुमके भी वेयर कर ली है वैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है लेकिन तुम लोग को दिखा देती हूँ तुम लोग सिर्फ इतना फेस दिख रहा है ठीक है बाकी चीज़ों को अवॉइड करना। सो मेरा आई मेकअप डन हो गया है काजल के साथ में मुझे चाहिए बिंदी जो कि मैं स्किन अच्छी लगाऊंगी आई लाइनर की मदद से तो ये मैंने लगा लिया है। देखो यार ये वाला ना मेकअप लुक हो गया कम्प्लीट बहुत इजी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने यूज़ करें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टाटा अपना ध्यान रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना बाय।